अलैकुम जी, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं राजा वासिफ मीरपुर आज़ाद कश्मीर से इस वक्त में मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर की एक बड़ी खूबसूरत और पुरसकून जगह बंजोसा झील के किनारे पे। बड़ी खूबसूरत जगह जनाब, रावलपिंडी से इस्लामाबाद से करीबन 3 घंटे की ड्राइव के फासले पे रावलपोर्ट के बिल्कुल साथ है बंजोसा झील। नाम तो सभी ने सुना होगा। टाइम से प्लानिंग कर रहे थे बंजोसा झील की, लेकिन टाइम नहीं मिल सका। आज हम आए थे इवेंट कवर करने के लिए रावलपोर्ट में। अरसलान भाई, बंजोसा झील कैसी जगह? ज़बरदस्त, वेरी मस्त। ये मेहरबानी है किसकी? नाजम भाई की मेहरबानी है जो हमें जनाब इवेंट पे लेके साथ जनाब बंजोसा झील भी दिखा दी है। ये जनाब नाजम भाई, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको खुश रखें। आपने जनाब हमारा जो काफ़ी अरसे से प्लान था बंजोसा झील का, आपने कामयाब कर दिया। कैसी जगह? बहुत ज़बरदस्त जगह। आप पहली दफ़ा आए? इससे पहले मैं पहले भी आ चुका हूँ, तो ये आप दोस्तों को घुमाने फिराने के लिए। आप जैसा बंदा होना चाहिए। शेख साहब सलामुअलैकुम। सुकून है? सुकून है। मौसम कैसा है? मौसम बहुत अच्छा जी, बारिश शुरू है। आस पास तो कहीं भी बारिश नहीं, यहाँ पहुँचे हैं तो जनाब बादल बारिश। कामरान भाई मज़े में हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त। क्या कहना चाहते हैं, इधर आना चाहिए? नहीं, इधर आना चाहिए, सबको इंजॉय करना चाहिए। के पास ही जनाब गेस्ट हाउस बने हुए हैं, कैंटीन्स बनी हुई हैं, होटल्स बने हुए हैं, रिहाइश के इंतजाम बड़े अच्छे हैं। काफ़ी लोग इस झील पे आते हैं। रश तो नहीं है अभी, रश कम है, लेकिन बड़ी खूबसूरत जगह बनी हुई है। सफाई का बड़ा अच्छा इंतज़ाम है यहाँ पे, नज़र आ रहा है गंद वगैरह नहीं है। आप ड्रोन फ्लाई करते हैं और जनाब आपको इस झील की खूबसूरती दिखाते हैं। हां भाई, लाड़ी की टीम बैठा ला ना। हां हां,
का लेक क्लीन, सफाई का काफ़ी जनाब इधर ख्याल रखा गया। कोशिश करें जहाँ भी आप घूमने फिरने के लिए जाते हैं, जो भी खाने पीने की एशिया रैपर्स वगैरह, वो आप ज़मीन पे ना फेंका करें, क्योंकि इससे गंदगी फैलती है और जनाब इतनी खूबसूरत जगह है वो तो ख़राब होती है। कोशिश करें जो भी अपना सामान है रैपर्स वगैरह वो आप उधर ले के जाते हैं तो उधर ही ना फेंके। जिधर भी आप घूमने फिरने के लिए जाते हैं सफाई का खास ख्याल रखें, क्योंकि इस जनाब ज़मीन को हमने साफ रखा है और हमने इसका ख्याल रखा है। पैडल बोट्स यहाँ पे हैं, उसके अलावा जनाब वो सामने जनाब बेंच लगे हुए हैं, बड़ी खूबसूरत जगह, लाइटें वगैरह लगी हुई हैं, लगता है रात को भी इधर काफ़ी लाइटिंग होती है। इस साइड गेस्ट हाउस है काफ़ी बड़ा, एक सामने गेस्ट हाउस है और सुकून जगह है। जनाब बंजोसा झील पे जनाब चाट आ गई है, उम्मीद है टेस्ट अच्छा होगा। चेक करें जी, नाजम भाई चेक करें कैसा टेस्ट। बस यार चेक करता हूँ अभी, फिर बताता हूँ आपको। टेस्ट तो ठीक है जी, पास है। दही कम है, दही कम डाला उसमें तो बाकी है। चलें जी दही मंगवाते हैं। जी तो मौसम अभी बारिश का बन चुका है, थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है। अभी मैंने विज़िट किया गेस्ट हाउस का, अच्छे कमरे हैं, दो या तीन बेड का जो कमरा वो 2,000-2,500 रुपये का रेंट, तो काफ़ी मुनासिब है। और गर्मियों में ज़्यादा रश होता है यहाँ भी, क्योंकि सर्दियों में तो बर्फ़बारी होती है, इस वजह से जो झील है उसके ऊपर बर्फ़ सारी जम जाती है, तो गर्मियों में ज़्यादा जून जुलाई अगस्त में ज़्यादा लोग आते हैं। आज जुमे, आहिस्ता आहिस्ता रश हो रहा है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।